डीप पॉल्स की शुरुआत हुई जब आपने कॉफी बेचना शुरू किया, तब उस टाइम पे कितने रुपए की कॉफी मिलती थी? मेरे ख्याल से 50 पैसे या 1 रुपए की से शुरू हुई। 50 पैसे उस समय वैल्यू बहुत थी। हम मेरे पास टू व्हीलर था एक, तो उस समय पेट्रोल 5 रुपए में 3 लीटर 2 पॉइंट आता था। तो स्टिल रिमेम्बर के 5 रुपए लेके जाते थे घर से कि पैसे दो पेट्रोल डलाने। वेलकम टू DFW Explore। आज की अपनी डेली स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरेशन की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपका होस्ट रोहन आपको ले आया हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं जनपथ मार्केट में, और वहाँ पर लेकर चलेंगे आपको एक आइकॉनिक शॉप पर जिसका नाम है डी पॉल्स, जो है फेमस अपनी कोल्ड कॉफ़ीज और स्नैक्स के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं इस शॉप के ओनर से और जानते हैं इस शॉप की हिस्ट्री के बारे में। आइए। तब हमारे साथ हैं मिस्टर अश्वनी कटपालिया जी, जो डी पॉल्स के ओनर हैं। सर बताइए कि आपकी शॉप की शुरुआत कब हुई? ये शॉप शुरू हुई थी 1952 के आसपास। 52 के आसपास। तो ये ओरिजिनली जो थी जनपथ पे थी, हमारी नाम यही था डी पॉल्स, और हमारा ओरिजिनल काम जो था कॉस्मेटिक्स का था। एंड देन ग्रेजुअली कॉस्मेटिक्स, यू नो, जनरल मर्चेंडाइज। 1969 में हमने कॉफ़ी शुरू करी थी। कॉफ़ी कॉन्सेप्ट इंडिया में था नहीं उस समय इतना। मेरे फादर साहब ने शुरू करी थी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ डी पॉल्स। मैं सेकेंड जनरेशन हूँ, फिर उनके दो भाई उनके साथ आए। 69 में कॉफ़ी शुरू हुई तो बड़ा मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना, जो पामे में बताते थे वो कि दूध की चीज़ लोग घर से बाहर पीते नहीं थे, उसमें आधी बनाते थे आधी फेंकनी पड़ती थी। ग्रेजुअली टेस्ट अच्छा था, लोगों के मुंह में लगने लगा। 71 में ये शॉप यहाँ पे आई, इस बिल्डिंग में बिल्डिंग बन गई थी, तो हमारे को ये शॉप अलॉट हुई थी। उस समय जो सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो थी यहाँ पे आती थी, आफ्टर कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत आते थे, और ये एक मीटिंग प्लेस भी बन गई थी। और हमारा USP रहा है कि राइट प्राइस, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, तो लोगों को अच्छी लगी कॉफ़ी। बाकी ओवर द ईयर्स हम इम्प्रूव करते रहे इसको, और ज़माने के साथ चलते रहे, इनोवेशन चलती रहती है। उसके बाद स्नैक्स भी थे हमारे पास जो एड ऑन किए हमने 71 के बाद, तो ग्रेजुअली एवरीथिंग वेंट टुगेदर, यू नो, कॉस्मेटिक भी रहा, कुछ खाना पीने का भी रहा। तो इसमें यह है कि आप 100-150 रुपए के बीच में अच्छा पेट भर के जा सकते हो। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, हम क्या टेस्ट करें आज? आप ट्राई करो, हमारे पनीर बॉल बड़े फेमस है अभी कॉफ़ी में, लेटेस्ट है। हेज़लनट बहुत अच्छी लगती है लोगों को, रेगुलर तो है ही है। अभी आपको पिलाता हूँ मैं कॉफ़ी, कॉफ़ी काम कमाओ, ये पी के देखिए, नया फ्लेवर है, ये ओरिजिनल है हमारा, ट्राई करो पी के। इसमें कोई सिरप नहीं है, ये सारे प्योर हेज़लनट के साथ ब्लेंड करी हुई है हमने। जैसे होता है ना कि दूध पी के पेट सा भर जाता है, वो वाला नहीं है, और काफ़ी अच्छी अरोमा आ रही है। थैंक यू सो मच। और शुगर बिल्कुल बैलेंस्ड है। कॉफ़ी ओवर द ईयर जब जितनी पीते हो थोड़ा बिटर मांगते हैं लोग, थोड़ी स्ट्रांग। इनिशियली लोग बोलते हैं कड़वी है, अब कड़वी वाला जो कॉन्सेप्ट गया, बोलते हैं वी वॉन्ट समथिंग स्ट्रांग, यू नो। तो ज़्यादा लोग कॉफ़ी ड्रिंकर बढ़ रहे हैं ओवर द ईयर। स्टार्टिंग में चैलेंजिंग नहीं था जब चैलेंजिंग देखो, बिजनेस इटसेल्फ इट इज़ अ चैलेंज, इट इज़ अ गैम्बल। बाकी ये है, पैशन से काम करो आप कोई भी चीज़, तो यू विल नेवर फेल इन लाइफ, जस्ट पुट योर सेल्फ इन। अभी भी सुबह 5:30 बजे उठ के मैं बनाता हूँ, इट इज़ आवर ओन रेसिपी। ओके, सो इट इज़ मोर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू पुट इन योर सेल्फ टू मेक द राइट स्टफ। पॉल्स की शुरुआत हुई जब आपने कॉफ़ी बेचना शुरू किया, तब उस टाइम पे कितने रुपए की कॉफ़ी मिलती थी? मेरे ख्याल से 50 पैसे या 1 रुपए की से शुरू हुई। 50 पैसे उस समय वैल्यू बहुत थी। हम मेरे पास टू व्हीलर था एक, तो उस समय पेट्रोल 5 रुपए में 3 लीटर 2 पॉइंट आता था। तो स्टिल रिमेम्बर के 5 रुपए लेके जाते थे घर से कि पैसे दो पेट्रोल डलाने, और 10 रुपए में टैंक फुल होता था। सो यू कैन इमेजिन सस्ता ज़माना था। व्हेन आई वाज इन स्कूल, यू नो, कोक यूज़ टू कॉस्ट 25 पैसे, GTC फेयर वॉज 25 पैसे, सो इट वॉज अफोर्डेबल रेट। बाद में इन्फ्लेशन बढ़ती रही, सब चीज़ों की कीमतें बढ़ती रही, इसलिए हमें ही बढ़ानी पड़ी। कुकिंग गैस मेरे को याद है, जब मैंने शुरू किया काम पे
12 या 15 रुपए सिलेंडर था उस समय, अब आजकल तो 1300 रुपए का। सो इमेजिन द जंप ऑफ द प्राइसेस, ये तो वर्ल्ड वाइड है, इन्फ्लेशन होती रही, प्राइस बढ़ती रही। और आप अपने, आप जब अपने कॉलेज डेज में थे तो डेली जब एक्सप्लोर करते थे, तो आपकी क्या, आपके क्या हॉटस्पॉट्स होते थे, आप कहाँ जगह खाना खाना रहते थे? जब हमारे पेरेंट्स के टाइम तीन मार्केट्स थी दिल्ली में सारी जो नॉन थी, एक तो थी चांदनी चौक, दैट वाज अ होलसेल मार्केट एंड सदर बाज़ार, दूसरी थी करोल बाग, तीसरी थी जो मेन जो हैपनिंग प्लेस थी सीपी थी। साउथ दिल्ली तो बहुत बाद में बनी, उसके बाद 90s के बाद थोड़ा ऊपर उठने लगी मार्केट्स। जीके में तो फ्लैट्स होते थे एंड साउथ एक्स में भी रेजिडेंसेज वगैरह थी, सो दीज मार्केट्स वर नॉट वेरी अपकमिंग। दिल्ली फिर जैसे जैसे एक्सपेंड होती गई तो ये मार्केट्स भी चलने लगी सब। आपका दिल्ली में फेवरेट ईटिंग स्पॉट कौन सा है, जहाँ आप अभी भी जाते हैं और जाके मतलब वही आपको स्वाद मिलता है? दिल्ली में पुरानी जगहें बहुत कम रह गई हैं ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी। जैसे दिल्ली में हमारे साथ साथ नेरुलास चला, वेंगर्स जो है अभी एक पुराना आउटलेट है जहाँ पे अभी भी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बेकरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उनके। नेरुलास आया था उस समय तो वहाँ पे भी नया फास्ट फूड उस समय शुरू हुआ था, कॉफ़ी नेरुलास एक वेंगर्स, लाइक ये तीन चार प्लेसेस जो थी जो हैपनिंग थी बिल्कुल, और क्राउड सारा यहीं पे होता था। उसके बाद फिर फाइनली यू नो फिर या फिर एलीट के लिए थे, जैसे वोल्गा था, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस पुराने, एक स्टैंडर्ड थी कॉफ़ी रीगल बिल्डिंग में था। तो ऐसा ऐसा बढ़ते गए, फिर वैरायटी बढ़ती गई, दुकानें बढ़ती गई, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती गई, फिर क्राउड भी बढ़ता रहा। बट जिसको जो इस समय यहाँ पास कर रहा होता है पीने ज़रूर आता है कॉफ़ी, यू नो कि यस आई ग्रू अप हियर, कॉफ़ी ज़रूर पीनी है मेरे को आपकी, हेलो भी बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है हमारे को भी बहुत। सो इट इज़ मोर देन सेलिंग कॉफ़ी, यू नो कि असली धन तो वही है कि आप हेलो भी बोलने आ रहे हो और कॉफ़ी भी पीने आ रहे हो। मिस्टर कटपालिया की रिकमेंडेशन पर हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ का पनीर बॉल और साथ में ग्रिल चीज़ सैंडविच और एक रेगुलर कॉफ़ी और एक हेज़लनट कॉफ़ी क्रंची। ओ तेरे के, ये देखिए अंदर पूरा का पूरा पनीर की भुर्जी से इन टू एंड पूरा स्टफ्ड है। ऐसा लग रहा है कि पिज्ज़ा वाला ब्रेड रोलर खा लिया, वो कैप्सिकम अनियन का टेस्ट और साथ में जो इटालियन हर्ब्स का फ्लेवर आ रहा है काफ़ी अच्छा है, और देसी रेड चिली, तो इंडो फ्यूजन डिश बना दी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फिलिंग है। ऐसे लबालब पनीर भरा हुआ है अंदर, कॉफ़ी का परफेक्ट ब्लेंड है, हेज़लनट की काफ़ी अच्छी अरोमा, शुगर बैलेंस्ड है, स्किम्ड मिल्क का यूज़ किया गया इस कॉफ़ी में, और एक पीने से आपका मतलब होता है ना कई बारी स्वाद आ जाता है, पेट भर जाता है बट वो नियत नहीं भरती, तो आज वही वाला हिसाब चल रहा है। साथ ही में इनकी रेगुलर कॉफ़ी जो है रेगुलर कॉफ़ी में स्ट्रॉन्ग बिटर फ्लेवर है कॉफ़ी का, काफ़ी स्मूथ जा रही कॉफ़ी टंग पर। अगर जैसे अगर हम वाइन को टेस्ट करते तो जीप पे बोलते हैं ना कि हैवी बॉडी है लाइट बॉडी है, तो मीडियम बॉडी है मतलब टंग के ऊपर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है कॉफ़ी की, और किसी को अगर सुबह सुबह नींद आ रही हो और अच्छा किक चाहिए हो तो उनकी रेगुलर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें, पीकर मज़ा आ जाएगा। अब बारी है चीज़ सैंडविच खाने की। ओ एक ग्रिल्ड चीज़ चिकन सैंडविच है, मज़ा आ गया। स्मोकी चिकन की क्यूब्स हैं और ऊपर से चीज़, दैट्स इट। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना फ्लेवरफुल सैंडविच शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो
तो इसी के साथ आज की अपनी स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरेशन जर्नी को एंड करते हैं। तब तक ये सारा खाना ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में एक नए एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।